الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وقد ورد في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني الى حبك اللهم أجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام آجْك إسم بارك مجلسك टाइटल है उनवान है अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट ान है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल है बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे हासिल हो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो ईमान वाले हैं उन ईमान वालों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला ही से होनी चाहिए इसलिए कि अल्लाह ने तमाम इंसानों में आपको और मुझको ईमान की दौलत अता फरमाई बाकी जनरल इंसान होने के नाते सब इंसान बराबर है ऐसे अल्लाह ताला ने हमको वजूद अता फरमाया वजूद का मीनिंग है कि पहले हम नहीं थे अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया अब अल्लाह ताला किसी को पैदा करे जन्म देवे तो जानवर की शक्ल में देवे जानवर में कुत्ता बना देवे जानवर में खिंजीर सुअर बना देवे कौवा बना देवे गीदड़ और चील बना देवे कोई भी बना सकते थे लेकिन अल्लाह ताला ने आपको और मुझको इंसान बनाया है तो पहली अल्लाह की नेमत ये है कि हम लोग अदम में थे वजूद बख्शा यानी हम नहीं थे अल्लाह ने बनाया अगर अल्लाह हमको न बनाते तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं थी कि हम खुद बन के दुनिया में आते तो इस दुनिया के अंदर हमको पैदा किया जन्म दिया वजूद दिया ये अल्लाह ताला की पहली बहुत बड़ी नेमत है उसके बाद दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान की शक्ल में जन्म अता फरमाया जानवर नहीं बनाया कुत्ता बिल्ला नहीं बनाया सांप बिच्छू नहीं बनाया मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अकदस मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमत् फरमाते थे अगर अल्लाह ताला सांप बना देते हमको तो कैसी हमारी जिंदगी होती कि जो देखे वो डंडा लेके मारने की फिक्र करे और खुद सांप जो भी सामने आवे उसको काटने और डंक मारने की फिक्र करे अल्लाह ने इंसान बनाया कितनी बड़ी नेमत एक कुत्ते को ले लो अल्लाह ने हमको कुत्ता नहीं बनाया अगर कुत्ता बनाते तो लोग जो है पत्थर मारते भगाते और कुत्ता होता तो अभी भूकर आए अभी किसी के पीछे दौड़ आए कैसी जिंदगी होती तो अल्लाह ने हमको वजूद अता फरमाया जन्म अता फरमाया और वो भी बेहतरीन इंसान बनाया और इंसान में भी कोई लूला है लंगड़ा है अंधा है माजूर है मोहताज है ऐसा नहीं बताए बनाया बल्कि अल्लाह ने अलम नज अल्लाहू आई नईन वलीसान अल्लाह ने दो आंख अता फरमाई जुबान अता फरमाए होंट अता फरमाए हेल्थी और तंदुरुस्त बॉडी अता फरमाई और उसके साथ अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम समझो कि उस अल्लाह ने आपको और मुझको ईमान वाला बनाया ईमान की नेमत अता फरमाई अब सब लोग अपने दिल को एक सवाल पूछो क्या हम में से कोई अल्लाह के पास अर्जी लेके गया था दरखास्त लेकर गया था रिक्वेस्ट लेकर के गया था कि अल्लाह आप हमको पैदा करो जवाब नहीं कोई रिक्वेस्ट लेके गया था कि अल्लाह हमको इंसान बनाओ जवाब नहीं कोई रिक्वेस्ट लेके गया था कि अल्लाह हमको ईमान वाला बनाओ जवाब नहीं हमने कोई अर्जी नहीं दी कोई रिक्वेस्ट नहीं की कोई दरख्वास्त नहीं की फिर भी अल्लाह ने हमको वजूदता फरमाया इंसान बनाया ईमान वाला बनाया तो अल्लाह के इतने सारे एहसान का तकाजा ये था कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यार लव अल्लाह के साथ करने वाले बने इसलिए अरबी में एक कहावत बोलते हैं फल इंसान एहसान इंसान एहसान का बंदा होता है यानी जो तुम्हारे ऊपर एहसान करे तुम उसके नौकर हो जाते हो गुलाम हो जाते हो तो अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने सारे एहसान किए वजूद बख्शा पैदा किया इंसान बनाया तंदुरस्त बनाया ईमान वाला बनाया तो फिर हमारे ऊपर जो है फर्ज है जरूरी है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हम अल्लाह ताला के साथ करने वाले बने और यही चीज अल्लाह ने कुरान में फरमाई वल्ल आमनु अशद के जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत सबसे ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा लव अल्लाह के साथ रखते हैं अल्लाह के साथ करते हैं अब जरा बात आगे चलाओ अल्लाह की मोहब्बत ये पहले नंबर पर अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा जबकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता मिनद कुम इलैही ही वी ही वना सी कोई भी आदमी पक्का ईमान वाला बनना चाहे कामिल ईमान वाला बनना चाहे मुकम्मल ईमान वाला बनना चाहे तो उसके लिए शर्त ये है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत हो सबसे ज्यादा प्यार हो और हुजूर की मोहब्बत कितनी हो अपने मां बाप से भी ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जात से भी ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बल्कि दुनिया में तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर के साथ होगी तो ईमान पक्का होगा तो अल्लाह की मोहब्बत तो उससे भी ऊपर है तो अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला के साथ कितनी ज्यादा कितनी पक्की मोहब्बत होनी चाहिए अब आप पॉइंट से समझो मैं आपको पॉइंट से नंबर वार समझाता हूं अल्लाह करे कि ये बात आपकी मेरी जिंदगी में आ जाए कि अल्लाह की मोहब्बत कैसे आवे तो पहला नंबर पहला पॉइंट समझो अल्लाह की मोहब्बत जिंदगी में लाइफ में लाने के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ये जरूरी है हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह से मोहब्बत आएगी और कुरान में ऐलान फरमा दिया कुल इनकु तुम तो हिब्बू फत बिओनी हजरत नबी ए करीम सल्लासम की मुबारक जुबान से अल्लाह ने ऐलान करवाया ए नबी ऐलान कर दो की अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो तुम मेरे तरीके पर चलो मेरी सुन्नत पर चलो मेरी सुन्नत पर अमल करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाले बनेंगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे तो जो आदमी नबी करीम अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह से मोहब्बत होगी और हुजूर की मोहब्बत के लिए हुजूर की सुन्नत के ऊपर अमल करना पड़ेगा अब आदमी उजूर की सुन्नत पर अमल न करे तो अल्लाह की मोहब्बत आ ही नहीं सकती आदमी का चेहरा आदमी की दाढ़ी अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक आदमी के कपड़े अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक आदमी का खाना पीना कमाना उठना बैठना सब अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी ये कुरान कहता है कुल इनकुन तुम तो हिब्बू ना फतबू नीबिब अगर नबी की सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी नबी की सुन्नत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं मिल सकती इसलिए आज से सब हमारे भाई बहन तय कर लेवे कि जिंदगी का हर काम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे और इसके लिए मैं आपको दो काम खास तौर पर कहता हूँ नीयत करो इंशाला करेंगे पहला काम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हुजूर पैदा हुए वहां से लेकर दुनिया से इंतकाल फरमा गए पूरी तिरसठ बरस की हुजूर की जिंदगी किताबों में लिखी हुई है जिसको उर्दू में सीरत पाक बोलते हैं गुजराती में नबी का जीवन चरित्र कहते हैं अंग्रेजी में नबी की लाइफ स्टाइल कहते हैं लाइफ स्केच कहा जाता है तो नबी की सीरत नबी का जीवन चरित्र उर्दू में मिलता है गुजराती में मिलता है हिंदी में मिलता है अंग्रेजी में मिलता है दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में लैंग्वेज में जुबान में नबी की जिंदगी कैसी थी वो मिलता है वो किताब घर में लाओ और लाकर के जो है वो किताब रोजाना थोड़ी 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 पढ़ के सुनो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़ेंगे सुनेंगे तो हुजूर की जिंदगी कैसी थी वो समझ में आएगी और जितना हुजूर की जिंदगी को पढ़ेंगे सुनेंगे इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी और नबी से मोहब्बत होगी अल्लाह से मोहब्बत होगी और दूसरा काम सुन्नत के मुतालिक किताबें मिलती है बाजार में कि हुजूर का खाने खाने का तरीका क्या था हुजूर के कपड़े का तरीका क्या था हुजूर की जिंदगी का हर काम जो किस तरीके से हुजूर ने किया वो सुन्नत की किताबें मिलती है उर्दू में गुजराती में अंग्रेजी में हिंदी में वो सुन्नत की किताब लाओ और वो सुन्नत सीख करके अपनी जिंदगी गुजारो जैसे खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना दाहिने हाथ से खाना अपने सामने से खाना कोई लुकमा नीचे न गिरने देना लुकमा गिरे तो उठा के खा लेना हर लुकमे के ऊपर या थोड़े थोड़े लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना खाना खाने के बाद दुआ पढ़ना उंगली चाटना खाने से पहले खाने के बाद हाथ धोना ऐसी सब खाने की सुन्नत है ऐसी सोने की सुन्नत कपड़े की सुन्नत टॉयलेट में जाने की सुन्नत कपड़े पहनने की सुन्नत घर में आने की सुन्नत घर से बाहर जाने की सुन्नत ये सुन्नत सीखनी पड़ेगी और जब सुन्नत सीखोगे उसके मुताबिक अमल करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो पहला नंबर अल्लाह की मोहब्बत के लिए सुन्नत के मुताबिक जिंदगी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी उसके लिए सुन्नत की किताबें लाओ घरों में उसके लिए उजूर की सीरत पाक घर में लाओ और उसको सुनो उसको पढ़ो उसके मुताबिक अमल करो तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी नंबर दो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नेक बंदे अवलिया अल्लाह कुतुब अब्दाल, उनके साथ मोहब्बत करो और उनके साथ ताल्लुक और कांटेक्ट पैदा करो हर जमाने में अवलिया अल्लाह होते हैं जिंदा वली जिंदा कुतुब अब्दाल जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ऐसों की कंपनी में रहना पड़ेगा उनके साथ रहना पड़ेगा जैसे कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहे तो किसी बड़े डॉक्टर के साथ रहकर अनुभव लेना पड़ेगा तजर्बा लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कोई आदमी पायलट बनना चाहे तो पहले पुराने अनुभवी पायलट के साथ आसिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा तो जाके वो एक्सपर्ट माहिर पायलट बनेगा तो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए अल्लाह का प्यार चाहिए तो दुनिया में जो अवलिया अल्लाह है अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ रहो उनकी मजलिस में रहो उनकी कंपनी में रहो उनके साथ रहो तो अवलिया अल्लाह की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी में आएगी और कुरान में फरमाया अला इन औलिया अल्लाह वलाहुम यहज़नून अल्लदीन आमनू वकानू यत्तकून औलिया अल्लाह कौन है जो ईमान में मजबूत जो तकवा वाले अल्लाह से डरने वाले हराम से बचने वाले ऐसे वली अल्लाह वाले अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जिनको देखो तो अल्लाह याद आ जावे और जब अल्लाह का नाम लो तो वो याद आ जावे उनके पास रहो उनके पास जाओ उनके हाथ पर बैत हो जाओ उनकी मजलिस में जाओ तो उसकी बरकत से अल्लाह की मोहब्बत आएगी ये बहुत जरूरी है दूसरे नंबर के ऊपर कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं ऐसों के साथ रहो तो तुम्हारे दिल के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत आएगी ये मशहूर शायर जो है अल्लामा इकबाल डॉक्टर इकबाल जिनका गीत मशहूर है सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा वो गीत वाले अल्लामा इकबाल वो पहले अल्लाह वालों से बहुत दूर रहते थे लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्ला बहुत बड़े अल्लाह के वली मुहदस उनकी खिदमत में गए उनकी मजलिस में गए तो जिंदगी बदल गई और अल्लामा इकबाल के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई अल्लाह का प्यार आ गया और डॉक्टर इकबाल साहब शायरी गाने लगे शायरी बनाई उन्होंने कितनी प्यारी शायरी बनाई न पूछ इन खिर का पोशों की हो इरादत तो देख इनको यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में अल्लाह अल्लाह जला सकती है समहे कुश्ता को मोजे नफस इनकी इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में यानी अल्लाह वाले अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत है वो तुम लो उसके लिए उनकी मजलिस में रहो अल्लाह ने उनके दिल के अंदर अपनी मोहब्बत का नूर ऐसा रखा है कि टूटी हुई मोमबत्ती को भी वो जला सकते हैं टूटे हुए गुमराह इंसान को भी उनकी दिल की रूहानियत चमका सकती है इसीलिए अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के पास जाना पड़ेगा उनके हाथ पर बैत होना पड़ेगा तो जाकर के अल्लाह की मोहब्बत जिंदगी के अंदर आएगी आज तो लोग अल्लाह वालों के पास जाते तावीजे लेने के लिए बरकत के रोजी के वजीफे मांगने के लिए अरे अल्लाह वालों के पास जाओ अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए क्यों उनके पास जाने की बरकत से अल्लाह की मोहब्बत आ जावे अल्लाह राजी हो जावे तो जाके अल्लाह की मोहब्बत जिंदगी में आएगी यह दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा पॉइंट समझो आदमी जिसका नाम ज्यादा बोलता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है अरबी में कहावत है ईजा तकर्र अल्लिस फिल कल्ब एक ही चीज को आदमी जुबान पर रिपीट करता है बोलता है बोलता है बोलता है तो दिल में वो चीज आ जाती है इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि रुपये पैसे माल दौलत बहुत मत बोलो वरना दिल में रुपये पैसे माल दौलत की मोहब्बत आएगी हाँ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो तीसरा काम ये करना पड़ेगा कि अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा पढ़ो जितना अल्लाह का नाम पढ़ेंगे इतनी ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत आएगी और अल्लाह का नाम कैसे पढ़ेंगे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला अल्लाह वला अखबर इल्ला बिल्लाहिल अल्लाह अज़ीम ये सब अल्लाह के नाम है अल्लाह का जिक्र है अल्लाह की तस्वीर है इन सब में अल्लाह का नाम है ये जिक्र करना पड़ेगा तस्बी पढ़नी पड़ेगी जितना ज्यादा जिक्र करेंगे इतनी अल्लाह की मोहब्बत दिल में ज्यादा आएगी खूब पढ़ो अल्लाह का नाम अल्लाह 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 खूब पढ़ो अल्लाह का नाम तो ज़बान से पढ़ेंगे दिल में अल्लाह का नाम आएगा और दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो जुबान पे अल्लाह का नाम आएगा इसलिए अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह का जिक्र करो तस्वीर पढ़ो अल्लाह का नाम पढ़ो खूब पढ़ो तो इन जो है जिंदगी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आएगी अल्लाह का प्यार आएगा अल्लाह का इश्क आएगा हजरत हकीम उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमत आलही बहुत बड़े अल्लाह के वली थे कुतुब अब्दाल थे अपने जमाने के मुजद्द थे हजरत के एक ख़ादिम थे मुरीद थे ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब रहमत आलही ख्वाजा साहब ने एक मरतबा उन बड़े शायर भी थे उनकी शायरी छपी हुई है कला में मजहूब खाजा साहब ने एक मरतबा हजरत थानवी को एक शहर सुनाया तो उस जमाने की बात आज से कितने बरस हो गए हजरत थानवी ने क्या फरमाया खाजा साहब तुमने जो शहर सुनाया है ना जो शायरी सुनाई इतनी प्यारी शायरी सुनाई कि मेरे पास एक लाख रुपए होते तो इनाम में दे देता दे ऐसी शायरी सुनाई खाजा साहब ने क्या शायरी सुनाई अल्लाह अल्लाह मैं नौजवानों को कहता हूँ अल्लाह की मोहब्बत की शायरियां सुनो अल्लाह के प्यार की शायरियां सुनो ये दुनिया के गंदे गाने गंदी शायरियां मत सुनो खाजा साहब ने क्या सुनाया अब तो आ जा अब तो खलवत हो गई हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई एक तुमसे क्या मोहब्बत हुई कि सारी दुनिया से नफरत हो गई अल्लाह को कह रहे अब तो आ जा अब तो खलवत हो गई अल्लाह मैंने दिल में से सबको निकाल दिया अब अल्लाह आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए अब तो आ जा अब तो खलवत हो गई हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई एक तुमसे क्या मोहब्बत हुई यानी अल्लाह से अल्लाह से कैसी मोहब्बत हो गई कि सारी दुनिया से नफरत हो गई और मेरे हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई राम फरमाते दे के नफरत नहीं वहशत का वहशत का लफ्ज बोलो एक तुम से क्या मोहब्बत हुई कि सारी दुनिया से वहशत हो गई के अल्लाह आपकी मोहब्बत हो गई अब दुनिया की नापाक मोहब्बत दिल से निकल गई तो मैं आपको कहता हूं अल्लाह का जिक्र करो तस्बी पढ़ो अल्लाह अल्लाह करो जिक्र करो तो इनशाला अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर मजबूत आएगी और चौथे नंबर के ऊपर बहुत जरूरी है कि अल्लाह के जो हुक्म हैं शरीयत के जो कानून हैं उसके ऊपर हम अमल करने वाले बने आज सुबह ही आज ही तफसीर की मजलिश में यह हदीस गुजरी है कि फर्ज इबादत उसके जरिए से आदमी अल्लाह के नजदीक पहुंचता है बहुत नजदीक पहुंच जाता है फर्ज नमाज फर्ज रोजे फर्ज जकवात फर्ज हज जितनी फर्ज चीज है फर्ज अदा करो इंशाला अल्लाह के नजदीक पहुंच जाओगे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी आज तो हम लोग नमाजें नहीं पढ़ते रोजे नहीं रखते सकात नहीं देते फिर कहां से अल्लाह की मोहब्बत आएगी अल्लाह से मोहब्बत चाहिए तो जिंदगी में अल्लाह का हुक्म पूरा करो अल्लाह का कानून पूरा करो अल्लाह का ऑर्डर पूरा करो अल्लाह ने जो करने के काम कहे वो करो जिन कामों से रोका है उससे बचो फर्जादा करो हराम से बचो गुनाहों से बचो गंदे कामों से बचो तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी और पांचवा पॉइंट मैं आपको बतलाता हूं जितनी नापाक मोहब्बत है गंदी मोहब्बत है नाजाइज मोहब्बत है हराम मोहब्बत है नाजाइज ताल्लुक है गलत ताल्लुक है एफेर है लफड़े हैं ये सब चीजों से तोबा करनी पड़ेगी तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी एक दिल के अंदर दो चीज नहीं आ सकती अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की गंदी मोहब्बत अगर कोई मर्द है तो किसी औरत की नापाक मोहब्बत पराई औरत की कोई औरत है तो पराए मर्द की गलत मोहब्बत कभी अल्लाह की मोहब्बत जिंदगी में नहीं आ सकती देखो बर्तन में दूध भरना हो तो उसको मांझना पड़ता है साफ करना पड़ता है वरना दूध फट जाता है तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो दुनिया की नापाक मोहब्बतें निकालो माल की नापाक मोहब्बत निकालो पराई औरत की नापाक मोहब्बत निकालो पराए मर्द की नापाक मोहब्बत निकालो तो दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आएगी हां एक ही तो दिल है उसको अगर नापाक मोहब्बत से गंदा किया तो कभी अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का प्यार आ ही नहीं सकता यह बहुत जरूरी है तो इस दिल के अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत बसानी है अल्लाह का प्यार बसाना है तो तमाम गंदी मोहब्बतों को निकालो नापाक मोहब्बत को निकालो तो जाके अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी और छठा पॉइंट इस मजलिस का आखिरी पॉइंट मैं आपको बतला दू अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगो अल्लाह से अल्लाह के प्यार का सवाल करो जैसे दुनिया में लोग नापाक मोहब्बत करते हैं तो वैलेंटाइन दिन आएगा तो दौड़ के फूल देने जाएंगे हराम काम करेंगे अरे अल्लाह की मोहब्बत का दिन रोजाना रात में तहज्जुद में उठकर खुदा के सामने जिक्र का फूल रखो कि अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है मैं तेरा जिक्र करता हूं मैं तेरे सामने रोता हूं मैं तेरे सामने आंसू बहाता हूं और तुझसे सवाल करता हूं अल्लाह तेरा प्यार दे दे वाह दुनिया में कैसी गंदी गंदी मोहब्बतों के हमने सवाल किए अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत का सवाल करो और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलम ने अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगी हदीस में खुद हुजूर ने यह दुआ मांगी ये दुआ याद करो अल्लाह से मांगो अल्लाहनी असअल का हब्बक व हुब्ब मई हब्बू का वलअमो नीला हब्बक अल्लाह का हब्बिन ये दुआ खुद नबी करीम सांगी मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो आपके मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी मोहब्बत का सवाल करता हूं जिस अमल के जरिए से मैं आपकी मोहब्बत के तक पहुंच जाऊं उस नेक अमल का सवाल करता हूं अल्लाह आपकी मोहब्बत ऐसी हो जाए कि मेरी जान से ज्यादा आपकी मोहब्बत मेरे घर वालों से ज्यादा आपकी मोहब्बत ठंडे पानी से जो गर्मी में ठंडा पानी कितना अच्छा लगता है उससे ज्यादा आपकी मोहब्बत गोया दुनिया की हर चीज से अल्लाह आपकी मोहब्बत ज्यादा हो ये सवाल करना पड़ेगा अल्लाह से ये दुआ हुजूर की बतलाई हुई मांगो अल्लाह से याद करके अल्लाह इन्नी असअल का हुबक व हुब्ब मई हिब्बू का वलम अल्लाजी बल्ले गी अला हब्बक अल्लाह जाल हब्बक हब्ब अमिन नबसी व माली व अहली ठंडे पानी से माल से घर वालों से अपनी जात से भी ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत आ जाए अल्लाह वालों की मोहब्बत आ जाए नेक आमाल की मोहब्बत आ जाए ये ये छह पॉइंट मैंने आज की मजलिस में आपको बताए हैं ये छह काम करो जरूर भी जरूर अल्लाह की मोहब्बत जिंदगी में आके रहेगी आके रहेगी इन सुबहान अल्लाह अल्लाह हम सबको अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत सच्चा पक्का प्यार फरमा देवे जब अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो आदमी बीवी बच्चों से मोहब्बत करेगा अल्लाह के लिए आदमी हलाल रोजी कमाएगा अल्लाह के लिए आदमी जो है दुनिया का हलाल कारोबार करेगा अल्लाह के लिए आदमी खाएगा अल्लाह के लिए आदमी कपड़े पहनेगा अल्लाह के लिए आदमी पानी पिएगा अल्लाह के लिए आदमी कोई भी काम करेगा अल्लाह के लिए फिर हर काम अल्लाह के लिए हो जाएगा जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो सुबहान अल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रताप गढ़ी राम बहुत बड़े अल्लाह की मोहब्बत करने वाले गुजरे ये जो हमारे यहाँ बुजुर्ग आते हजरत मौलाना कमरुजमान साहब इलाहाबादी दामद बरकत होम आलिया उनके भी पीर होते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रताप गढ़ी बड़े अल्लाह वाले आशिक थे अल्लाह की मोहब्बत के जिंदगी बहुत लंबी पाई सौ साल से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे जियारत की शहादत हासिल हुई मैंने उनसे हदीस की इजाजत भी ली उनकी शायर शायरी की पूरी किताब है उसकी शराह भी आई है फैजान मोहब्बत इरफान मोहब्बत हजरत की शायरी है पूरी शायरिया अल्लाह की मोहब्बत से भरी हुई है अजीब अजीब शायरी है उसमें एक शायर हजरत ने उसमें कहा जब से जुबां पे उनका नाम आने लगा जब से जुबां पे उनका नाम आने लगा यानी अल्लाह का नाम जब से जुबां पे उनका नाम आने लगा तब से दुनिया ही में जन्नत का मजा आने लगा अरे प्यार से मोहब्बत से अल्लाह का नाम पढ़ के तो देखो कसम खुदा की दुनिया जन्नत बन जाएगी अल्लाह आपको मुझको सबको अपनी सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए अपना सच्चा पक्का आशिक बना दे और ये छह बातें जो मैंने आपके सामने पेश की आपको मुझे अमल की दूसरों तक पहुंचाने की तोफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें अपनी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए कि दुनिया की तमाम नापाक गंदी फानी मोहब्बतों से दिल अल्लाह पाक फरमा दे अल्लाह अपने सच्चे आशिकों में हमें शामिल फरमा दे और अल्लाह हम सबसे हमसे राजी हो जाए वाहिर उदावाना أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آج مجلسك مجلس کی بس يهدواه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي वह अहली विद एल्ला मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं ऐसे नबी साहबा ताबेन अलिया अल्लाह मुहदसिन मुफसरीन उन एल्लामा उनकी मोहब्बत चाहता हूँ और जिस नेक अमल से आपकी मोहब्बत मिले वो चाहता हूँ और एल्ला आपकी मोहब्बत ऐसी हो मेरी जान से मेरे माल से मेरे घर वालों से और गर्मी की मौसम में ठंडे पानी से भी ज्यादा आपकी मोहब्बत मुझे मिल जाए अल्लाह ऐसी मोहब्बत दे दे अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को इस दुआ को हम सब के हक़ में कबूल फरमावे अपनी रजा और खुशनी दुरी का जरिया बना देवे सुबहान औरत अम्मा ऐसी फोन वसलामर सलीन वही रबीआल